तो दोस्तों, आपने हरिद्वार यानी कि हमारे देवताओं की नगरी इसके बारे में काफ़ी सुना होगा। लोग जगह जगह से दूर दूर से आते हैं और यहाँ पर आके अपने पितरों के निमित्त दान, जप और मुक्ति की प्रार्थना के लिए यहाँ पर डुबकी लगाते हैं। क्या आपको पता है, हरिद्वार में सिर्फ एक ही घाट नहीं है, यहाँ पर 107 घाट हैं या उससे ज़्यादा भी घाट हैं, जिनके बारे में शायद आपको कभी आपने सुना भी ना हो। पर आपको आज मैं मुख्य 7 घाट यहाँ के बताने वाला हूँ, जिनकी इम्पोर्टेंस भी आपको बताऊँगा कि आप अगर हरिद्वार आएँ तो इन घाट पर भी जाएँ, जिससे कि आपके जीवन में कोई स्पेसिफिक परेशानी है तो इस घाट में आने से आपकी वो दूर हो सके। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं हरि की पौड़ी से, क्योंकि हरि की पौड़ी यानी कि हर की पौड़ी यहीं पर ही लोग आते हैं। हर की पौड़ी की जैसे कि इम्पोर्टेंस जानते हैं, हर की पौड़ी यहाँ पर अमृत छलका था और अमृत आकर यहीं गिरा है, इसीलिए यहाँ पर अमृत कुंड माना जाता है और यहाँ पर स्वयं त्रिदेव का वास है, यहाँ पर स्वयं हमारे ब्रह्मा जी विराजमान हैं, जिस वजह से यहाँ पर लोग पापों से मुक्ति पाते हैं, अपने पूर्वजों को मुक्ति दिलाते हैं, अपने जीवन से किसी भी तरह के पूर्व जन्मों के श्राप या पाप से मुक्ति पाते हैं, जीवन में आ रहे किसी तरह के कष्टों से और पूर्व जन्मों के पापों से मुक्ति पाते हैं। तो इतनी इम्पोर्टेंस है यहाँ पर जो भी आता है वो कुछ ना कुछ लेकर ही जाता है और अपने जीवन में परेशानियों को यहाँ पर गंगा के जल में धोकर जाता है। बस ज़रूरत है आपको श्रद्धा से आना है, श्रद्धा से किया गया कोई भी काम आपको 100% फ़ायदा देगा, इस चीज़ का ध्यान रखिए, श्रद्धा सबसे पहले। वरना ये नॉर्मल पानी है किसी के लिए भी, चाहे वो कुछ भी सोचता रहे, क्योंकि श्रद्धा जब तक नहीं होगी तब तक आपको इसमें माँ गंगे विराजमान नहीं दिखाई देंगी, इसीलिए श्रद्धा ज़रूरी है। अब हम बात करें कि यहाँ पर कैसे आई माँ गंगा। माँ गंगा को धरती पर लाने के लिए जिम्मेवार हैं वो हैं भागीरथ जी, जिन्होंने अपने पूर्वजों को सबको मुक्ति दिलाने के लिए, क्योंकि उनके पूर्वज मुक्त नहीं हुए थे, वो भटक रहे थे, जिस वजह से उन्होंने स्वयं भोलेनाथ की इतनी तपस्या की, जिस वजह से माँ गंगा भोलेनाथ की जटाओं से बहती हुई पहुँची हैं और भागीरथ के जो भी पितर थे सभी को उन्होंने मुक्त किया। इसी तरीके से अगर हमारे पितर हैं, हमारे पूर्वज हैं, यहाँ पर अस्थियाँ भी बहाई जाती हैं, अस्थियाँ बहाने का सबसे बड़ा रूल क्या है आपको सबसे पहले ये बता दूं, अस्थियाँ बहाई क्यों जाती हैं, क्यों नहीं फेंक दी जाती हैं, क्यों इधर उधर नहीं पड़ी होती हैं? देखिए, अस्थियों को हमेशा बिखराव देना होता है। अगर अस्थियाँ एक जगह पड़ी रहें तो वही व्यक्ति या फिर मृत व्यक्ति हमेशा कोई प्रेत आत्मा, प्रेत योनि या फिर किसी तरह से लोगों को सताने वाला व्यक्ति बन जाता है या फिर खुद ही वो मुक्त नहीं हो पाता है। जब भी हम किसी धार्मिक जगह में अस्थियों को बहाते हैं तो वो अस्थियाँ बिखर कर, और ख़ासकर ऐसे जो पूजनीय हमारे जो धार्मिक स्थल हैं, नदियाँ हैं, उनमें बिखर कर वो आत्मा शुद्ध हो जाती है और मुक्त हो जाती है। ये देखिए, हर एक अलग अलग धर्मों के हिसाब से, अब आप कहेंगे बाकी धर्म तो दफनाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, देखिए वो उनके धर्म की मान्यता है, पर हमारे जो ग्रंथ हैं, हमारे जो पौराणिक कथाएं हैं, हमारी जो मान्यता है, हमारे इस अनुसार से ही हमें ये मुक्ति का मार्ग इस तरह से मिलता है। बाकियों के लिए मुक्ति का मार्ग उनके अनुसार है, पर हमारे लिए जो मुक्ति का मार्ग है वो यही है कि हमारी अस्थियों को विसर्जित किया जाए। चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले कुशावर्त घाट के बारे में। कुशावर्त घाट जहाँ पर पांडवों ने, श्री राम ने आकर स्वयं यहाँ पर अपने पितरों के निमित्त यहाँ पर उनको मुक्ति दिलाने के लिए जप और अनुष्ठान वगैरह किए थे, इसीलिए यहाँ पर इस घाट की इम्पोर्टेंस है। विष्णु घाट की अगर हम बात करें, स्वयं विष्णु जी आकर यहाँ पर स्नान किया उन्होंने, और स्वयं विष्णु जी ने स्नान किया अपने पितरों के, अपने बाकी जो भी उनके जीवन में दोष थे उन दोषों से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने यहाँ पर स्नान किया। राम घाट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर स्वयं श्री राम आए और उन्होंने अपने ब्रह्म हत्या के लगे पाप को यहाँ पर धोने के लिए जप अनुष्ठान और उसके लिए यहाँ पर उन्होंने पूजा अर्चना की, क्योंकि उन्होंने रावण का वध किया था। रावण की अगर हम बात करें तो श्रेष्ठ पंडित कहे जाते हैं रावण, और ब्रह्म हत्या का उनके ऊपर, क्योंकि जो रघुनाथ कुल के थे श्री राम, उनके ऊपर ये ब्रह्म हत्या का दोष लगा था, उसकी मुक्ति के लिए उन्होंने यहाँ पर आकर ये कर्म किए थे। अब हम बात करते हैं नारायणी स्रोत घाट के बारे में। अब नारायणी स्रोत घाट के बारे में सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस ये है कि अगर आपके जीवन में किसी प्रकार से काल सर्प दोष है, या फिर आपकी कुंडली में सूर्य राहु या फिर चंद्र राहु या बृहस्पति
चांडाल दोष का आपके जीवन में प्रभाव आ रहा है या फिर आप काल सर्प दोष के प्रभाव से गुजर रहे हो तो नारायणी घाट पर आपको आके जरूर से स्नान करना चाहिए। यहाँ पर स्नान मात्र से ही आपके जीवन पे आ रहे किसी भी प्रकार से जीवन में जो कि राहु के कारण दोष उत्पन्न है या फिर पितृ दोष है या शांति नहीं हो रही है, पितरों का कहीं से बुरा प्रभाव आ रहा है जीवन में, घर में आपके जीवन में परेशानियाँ नहीं निकल रही है, तो आपको नारायणी घाट जरूर आके स्नान करना चाहिए। ये नारायणी घाट हरिद्वार में स्थित है और आप हरिद्वार आएँ तो जरूर नारायणी घाट में अपने स्पेसिफिक परेशानी के लिए यहाँ पर आके स्नान जरूर करें। चलिए अब बचे वो दो घाट जैसे कि गौ घाट और सती घाट। अब ये दो घाट ऐसे हैं जहाँ पर लोग मुंडन के लिए आते हैं, अपने पितरों की पूजा पाठ अनुष्ठान के लिए आते हैं, दान जप वगैरह के लिए आते हैं, गौ सेवा के लिए आते हैं, अपने जीवन में किए गए जो पाप कर्म हैं उनकी निवृत्ति के लिए यहाँ पर आते हैं। और इसके अलावा और भी घाट हैं जिनकी देखिए हर एक की इम्पोर्टेंस है। अगर हम अपने युगों की बात करें, युगों युगों में हमारे देवी देवता और बाकी लोग यहाँ पर जो भी थे हमारे पूजनीय, वो इन घाटों पे आ के उन्होंने तपस्या की, दान जप किए और अपने पितरों को मुक्त कराने के सब कुछ किया। यानी कि जब इतनी पावन ये जन्म भूमि है और इतनी पावन भूमि है, यहाँ पर आकर तो आपके पाप या जीवन में जो पापों के कारण परेशानियाँ मिल रही हैं, चाहे वो आर्थिक हो, मानसिक हो, शारीरिक हो, किसी भी तरह से हो, सब परेशानियाँ दूर होती हैं। सबसे बड़ी ज़रूरत आपको समझने के लिए ये है कि आप कभी भी धार्मिक स्थल पर जाएँ तो तीन नियम अपने जीवन में ज़रूर अपनाएँ। पहला है विश्वास, दूसरा है श्रद्धा और तीसरा है स्वच्छता। अगर आप इन तीन कर्मों को अपने जीवन में अपना के नहीं चलोगे और धार्मिक स्थल पर जाकर आप उल्टे काम करोगे तो आप पुण्य की जगह पाप के भागी बनोगे। इसलिए ऐसे स्थानों पर जाकर आप गंदगी करें और अपने गंदे मन को लेकर जाएं और वहां पर जाकर आप ये मंशा लगाएं जीवन में कि मेरे जीवन में मैंने तो हज़ार बार डुबकियाँ लगा ली, मेरे पाप नहीं धुले, मेरी परेशानियाँ नहीं हटी, तो कभी नहीं हटेंगी अगर आप अपने मन को स्वच्छ लेकर नहीं जाओगे। इसीलिए आप सभी लोगों से प्रार्थना है कि अपने मन में श्रद्धा लेके जाइए, वरना ये जल आपके पापों को मुक्ति कराने वाला जल नहीं, एक नॉर्मल पानी होगा। इसीलिए इतनी सोच समझ को लेकर चलिएगा क्योंकि इनकी धार्मिक इम्पोर्टेंस बहुत है। पापों से मुक्ति के लिए इंसान को जब इंसान आखिरी सांसें गिन रहा होता है तो उसके मुख में गंगा जल डाला जाता है। अगर हम इस चीज़ को समझें, इनकी इम्पोर्टेंस को समझें, तभी हम उस धार्मिक और उसी शक्ति से जुड़ सकते हैं। अगर नहीं तो ऐसे ही जीवन में परेशानियां बनी रहेंगी। आप परेशान ना हो और जीवन में आप उन्नति करते रहो, इसीलिए हर एक चीज़ को इम्पोर्टेंस दे के चलो। सिर्फ गर्मियों की छुट्टियां मनाने के लिए या फिर ये वाटर पार्क की इंजॉयमेंट के लिए चीज़ें नहीं हैं। आप पूरा धार्मिक आस्था बनाकर आएँ, देखिए आपको 100% रिलीफ मिलेगा। बाकी ऐसे ही और जानकारियां लेके मैं आपके सामने ज़रूर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।